गाइस आज जो हम बात करेंगे हैबिट नंबर 6 की जो है सिनर्जाइज और ली गई द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से जिसके राइटर स्टीफन कोवी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सिनर्जी क्या होती है। सिनर्जी का मतलब होता है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि जो एक संपूर्ण चीज है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है उसके स्मॉल पार्टिकल से। चलो इसे समझ में आ गया। अब सिनर्जाइज का मतलब क्या, सिनर्जाइज का मतलब होता है कोलैबोरेशन या कहे तो कोऑपरेशन, यानी कि जब चीजें आपस में इकट्ठा होते हैं और मिलती हैं, ठीक है, सिनर्जाइज होना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आप एक पर्सन है, ठीक है, उनको आपकी हेल्प की जरूरत है, आप उस पर्सन की हेल्प कर दो तो जो वर्क होगा वो आसानी से पूरा हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये कि अगर हम एक टीम है उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलैब करें, ठीक है, एक कोऑपरेट करें, तो क्या होगा, जो वर्क होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो सिनर्जाइज का मतलब यही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आई एम अ लोन वॉल्फ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि आई एम ओके, बट मैं तो उनके लिए चीज़ है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, आप सोचते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए ऐप बनवाना है, आपको वेब बनवाना है, वेब डेवलपमेंट करवानी है और ऐप बनवानी है, वेब वेबसाइट बनवानी है और उसका लोगो वगैरह, आप सोच रहे कि आप अकेले ही वो पूरा काम कर लोगे। अगर आप ये सोच रहे तो आपको वो काम करने में 2 साल लग जाएगा, ऐप बनाने में, वेबसाइट बनाने में, उसकी लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सब कुछ करने में आपको 2 साल तो लग ही जाएगा। बट अगर आप अच्छे लोगों को सिनर्जाइज करो, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों, जो भी वैल्यूएबल लोगों को सिनर्जाइज करो, तो आपका वो काम कुछ महीनों में ही हो जाएगा। तो उनके लिए ये है कि लोन वॉल्फ होना अच्छी बात है कि अपने खुद के डिसीजंस पे रहना, बट क्या होता है कि अगर हम इस दुनिया में हैं, हमें कोई काम करना है तो हमें लोगों की ज़रूरत होती है, तो हमें सिनर्जाइज होने की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिनर्जाइज होना, ठीक है। तो सिनर्जाइज का मतलब मैंने आपको बताया कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, इसका मतलब होता है हम एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के ग्रुप बना के, ठीक है, जिसे काफ़ी बेनिफिट होता है एक दूसरे को। अब भाई एक दूसरे को बेनिफिट कैसे होता है, मान लो आपने खूब सारे लोग आप आए हैं, ठीक है, ग्रुप बना लिया, अगर कोई भी टॉपिक हो रहा है कि यार इस कंपनी का लोगो सही नहीं है, या कुछ ऐसा टॉपिक हो रहा है कि इसका जो थीम है वो ऐसा होना चाहिए, तो जो लोग होंगे, ठीक है, काफ़ी मान लो अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, वो अपना व्यू दे रहे हैं कि ये ऐसा है कि इसका लोगो ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोगों की राय कुछ और होंगी, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सब लोगों की रायों को सुनने की ज़रूरत है, सबके पॉइंट क्या है। इससे क्या होता है कि इससे एक तो यार जो कन्फ्यूज़न होती है वो काफ़ी मतलब बढ़ती है, बट क्या होता है कि इससे हमको एक नई राह दिखती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि जब हम कन्फ्यूज़ नहीं होंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ सही है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होना भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, हमें सही चीज़ पता चल रही होती है। और इससे क्या होता है कि हमें और नॉलेज भी लोगों से मिल रही होती है, है ना, जैसे कि आप अपनी क्लास में आप बैठते थे, ठीक है, तो आप बहुत सारे बच्चों से मिलते थे, बच्चे अपने मतलब अपने नाना के बारे में, काका के बारे में बताते थे कि मेरे काका एयरफोर्स में है, वो ऐसा ऐसा उनको मिलता था एयरफोर्स से, उनको ये काम करना पड़ता था, तो आपको लोगों से नॉलेज मिल रही थी, है ना, लोगों से नॉलेज मिल रही थी कि अच्छा ऐसा होता है, तो एक इंटरेस्ट आता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है जानना। तो सिनर्जाइज होना कितना बेनिफिशियल होता है ये जानने की ज़रूरत है, और ये हमारा नॉलेज बढ़ाता है, और साथ साथ में क्या होता है कि जब लोग अपने अपने व्यूज रख रहे होते हैं, ठीक है, तो एक नई इंटेलिजेंस हमें समझ में आ रही होती है, ठीक है, और इस चीज़ में हमें ये चीज़ नहीं करनी है कि हम दूसरे इंसान को आर्गुमेंट कर रहे कि नहीं मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम सिनर्जाइज होते हैं तो हमें हर एक इंसान की सुननी पड़ती है, ठीक है, जब समझना चाहिए कि वो किस नज़रिए से वो चीज़ देख रहा है। अब नज़रिए की बात आई, चल इसके बारे में बात लेते हैं, मान लो तुम मान लो कोई 15-16 साल का लड़का है, ठीक है, और रास्ते में कोई मतलब जा रहा होता है कोई इंसान वो 25 साल का, ठीक है, तो और ठीक है, और एक अंकल है जो कि 55 ईयर्स के हैं,
तो जो बच्चा है 15-16 साल का, उसके लिए जो 25 इयर्स का जो लड़का रास्ते जा रहा है उसके लिए वो तो भैया हुए ना, मतलब 25 इयर्स का जो लड़का जा रहा है रास्ते में, वो तो 15 साल के बच्चे के लिए क्या है, वो भैया की तरह है, वो भैया की नज़र से देख रहा है। और 55 इयर्स का जो अंकल है, अंकल जो है उससे 25 इयर्स के लड़के को एक बेटे की नज़र से देख रहे हैं, एक लड़का समझ रहे हैं, ठीक है उसको, ठीक है भैया तो समझ नहीं रहे। तो ये कहने का सेंस है कि लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग होता है, ठीक है। लोग, एक बच्चा अलग नजरिए से देखता है उस चीज को, और एक बड़ा इंसान उस चीज को अलग नजरिए से देखता है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें लोगों का समझ में आता है कि नजरिए अलग अलग होते हैं, और हम जिस जो हमारा परसेप्शन है वो अलग परसेप्शन है, इससे हमें लोगों के बारे में पता चलता है, हमारी नॉलेज। तो यही है सिनर्जाइजेशन, जिसमें हम लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात जानते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है, और काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारे बहुत सारे काम होते हैं वो इन्हीं इकट्ठा होके काफ़ी पूरे हो जाते हैं। और सिनर्जाइज होने से हमें रिलेशनशिप भी अच्छा बना पाते हैं, जिससे समझ में आता है लोगों के बारे में। तो जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग को एक दूसरे से, एक सोशल एनिमल है, हमें एक दूसरे से मिलना, बात करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये था सिनर्जाइजेशन, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।